दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप से चीन ढूंढेगा दूसरे ग्रहों पर जीवन। पेचिंग, धरती पर सत्ता कायम करने की चाहत के साथ साथ चीन अब यूनिवर्स पर भी नजर रख रहा है। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल अपर्चर टेलीस्कोप से चीन ने तैयारी कर लिया है दूसरी दुनिया में एलियन ग्रहों को खोजने की। 500 मीटर का एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट पहले के रेडियो टेलीस्कोप से दोगुने एरिया को कवर कर सकेगा और इसकी रीडिंग 3-5 गुना ज्यादा सटीक होगी। दूसरी दुनिया में जीवन की खोज। यह टेलीस्कोप जनवरी से काम कर रहा है, लेकिन इसकी टीम का मानना है कि अभी भी कुछ रेडियो इंटरफेरेंस है जिसे हटाया जा सकता है। पेचिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनोमर झांग तोंग जी इस प्रोजेक्ट के चीफ साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बताया है कि ऐसे कई सिग्नल मिले हैं जिनका संकेत दूसरी दुनिया में जीवन की ओर हो सकता है और टीम इसकी जांच करने के लिए एक्साइटेड है। ऐसे लेगा सटीक तस्वीर। 16,000 फुट के इस टेलीस्कोप को 1994 में प्रस्तावित किया गया था और आखिरकार 2007 में मंजूरी मिल सकी। इसमें 36 फुट के 4,500 तिकोने पैनल हैं जो एक डिश का आकार लेते हैं। साथ ही 33 टन का रेटिना है जो 460-525 फीट की हाइट पर टंगा है। इसकी कीमत 26.9 करोड़ है। इसके आसपास के 3 मील के रेडियस को पूरी तरह खाली कराया गया है ताकि कोई रेडियो इंटरफेरेंस न हो। एलियन लाइफ खोजने के साथ ही टेलीस्कोप पल्सर, ब्लैक होल, गैस क्लाउड और गैलेक्सी जैसे दूसरे कॉस्मोलॉजिकल आयामों को स्टडी करेगा।